छत्तीसगढ़ के थाना गुरूर जिला बालोद द्वारा NH-30 रोड पर फोर्ड फ्यूजन वाहन क्रमांक CG4HA9097 में अवैध मादक पदार्थ गांजा 22 किलो 500 ग्राम कुल कीमती 2,25,000 रुपए पकड़ा गया। प्रयुक्त वाहन के दस्तावेज एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर गांजा तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भिलाई के जितेंद्र सिरमौर, थानेश्वर उर्फ राजा विश्वकर्मा एवं पंखाजुर उत्तर बस्तर कांकेर से अर्जुन मंडल, सनातन विश्वास है। इन्होंने बताया कि ओडिशा के मलकानगिरी के पास कदमगुड़ा क्षेत्र से विगत वर्षों से गांजा खरीद कर अवैध परिवहन कर भिलाई, MP के मंडला एवं NCR दिल्ली एवं गाजियाबाद में खपाते हैं। तो वहीं आरोपियों द्वारा परिवहन के लिए OLX के माध्यम से वाहन और दूसरे व्यक्तियों के नाम से जारी सिम कार्ड खरीद कर उपयोग किया जाता है। गाड़ी जो है वो संदिग्ध अवस्था में मिली, जिस पर पूरी कार्रवाई करने के बाद में हमें 22 किलो 500 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ था, और उस गाड़ी में जो अपने दस्तावेज थे उसके बेसिस पे, जो मोबाइल हमको प्राप्त हुआ था उस बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, CCTV फुटेज के बेसिस पे, हम लोगों ने उस पर जो फरार आरोपी थे उनको देख कर भाग गए थे, पुलिस के MCP को देख कर भाग गए थे। उसने 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। 4 लोगों का नाम जितेंद्र सिरमौर जो सेक्टर 7 दुर्गा रहने वाला है, थानेश्वर उर्फ राजा विश्वकर्मा जो सेक्टर 7 भिलाई दुर्गा रहने वाला है, और अर्जुन मंडल और सनातन विश्वास, ये दोनों कांकेर जिले के रहने वाले हैं। इन चारों की गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। छत्तीसगढ़ बालोद से रिपोर्टर दीपक देवांगन की एक खबर।